भारत सरकार की अन्य विभाग जैसे आईटी मिनिस्ट्री की डिजिटल लिटरेसी की भी कुछ पेंडिंग व्यवस्था है। राजीव जी हमारे इन दिनों में देश विदेश की बहुत सारे आईटी कंपनियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ही शर्त रखा है, जो हमारे देश में आईटी मार्केट की एक्सेस लेना चाहते हैं उनको हमारी बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। यही है ना राजीव जी, अभी हमारी देश में जो देश की इंडस्ट्री है, ये तो हमने अपना सरकारी स्पेंडिंग की बात कहा, अभी अभी हम आसाम सिक्किम और नागालैंड और अन्य विभागों को सुन रहे थे, अन्य राज्यों को सुन रहे थे, उनकी भी स्टेट बजट से प्लान है। भारत सरकार पैसा खर्चा करेगी, विभिन्न विभागों से पैसा खर्चा करेगी, राज्य सरकारें पैसा खर्चा करेंगे, इंडस्ट्री भी पैसा खर्चा करेगा, ये सब मिलके नॉर्थ ईस्ट में, और उसको कौन कहां होगा, जन शिक्षण संस्थान में होगा, पीएम केके में होगा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में होगा, आईटीआई में होगा, पॉलिटेक्निक में होगा, एआईसीटी की चेयरमैन यहां बैठे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा, आईआईटी के मैंने देखा डायरेक्टर गुवाहाटी के वहां बैठे थे, आज बैठे हैं कहीं सभा में गुवाहाटी में, उनके वहां भी आईआईटी में भी नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स को एडवांस एरिया की स्किलिंग किया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की स्किलिंग किया जाएगा। मैंने देखा है आईआईटी गुवाहाटी के ड्रोन इंक्यूबेशन सेंटर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस स्टेज पे है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न के सारे इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही उनको तैयार करवाया जाएगा। किशन जी टूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्री, मैं विशेष करके टूरिज्म कल्चर दोनों को मैं निवेदन करूंगा, आप डोनर की तो थोड़ा पैसा दोगे ही दोगे, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टाइज है दोनों विभागों में, टूरिज्म और कल्चर में, नंबर आपके ऊपर मैं किशन जी छोड़ता हूं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स में कल्चरल इतने डीप रूटेड है, हम ये कोरिया की कौन सी अच्छे ब्रांड बैंड बजता है, बच्चे बच्चे कहें कौन सा है, अरे आप उसी को दिन भर सुनते रहते हो, क्या है वो, बीटीएस, बीटीएस ना, मैंने ठीक कहा तो, मैं भी खुद स्किल हो रहा हूं। देखो बीटीएस से हमारे बच्चे कोई कम नहीं होंगे आने वाले दिनों में, हम ऐसे ही प्लान करें, कल्चर डिपार्टमेंट उसमें स्पेंडिंग करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट थोड़ा स्पेंडिंग करें, दुनिया की बेहतरीन स्किल कैपेसिटी बढ़ाने वाले लोगों को हम नॉर्थ ईस्ट में 5 सेंटर ऐसे चलाएं जिसमें हमारे बच्चे अच्छे बैंड चला सकते हैं, देश दुनिया में कॉम्पिटेंसी के नाम नाम कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर एक जिले में एक टूरिस्ट पॉइंट है, हम ऐसे कुछ स्किल मिनिस्ट्री और अन्य विभागों से मिलकर बात करें कि अगर नॉर्थ ईस्ट के हर एक जिले की एक फोटो कंपटीशन किया जाएगा, जितने आज तो फोटो कैमरा की कोई अभाव नहीं, हर एक फोन पे कैमरा है, उस कैमरा में अगर हम एक कंपटीशन करते हैं, स्किल कंपटीशन करते हैं, और उसको अच्छे फोटो को एक सर्टिफिकेट देते हैं, ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, अभी आईएनबी मिनिस्ट्री ने एबीजीसी की कोर्स चलाने वाला है, इसलिए बाउंड्री की बाहर, कलसी जी और सीताराम जी दोनों बैठे हैं, आप दोनों ऐसे हाथ ढीला किए हो और ढीला करिए, आप ही के बिना तो हमारा चारा नहीं, अगर इसको आप कोर्स नहीं मानोगे हम चला ही नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों की रुचि कहां है, बच्चों की रुचि के हिसाब से पॉलिसी को बनाओ। मैं आज भी देख रहा था वहां ब्यूटी पार्लर का अभी भी स्किल के साथ जुड़ा हुआ है, अरे तो वही है सब लोग करते हैं, उसके आगे जाइए। एआई का आपने लिख दिया लेकिन एआई का इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखाया, एक छोटा सा वीडियो बनाओ, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की काम हम करें आने वाले दिनों में। मैं इसलिए आज आप सभी को बधाई देता हूं, इस दूर संचार में समूचा 8 अष्टलक्ष्मी की जो इलाका कहा गया, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, मैं यंगस्टर्स को मैं शुभेच्छा देता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं, उन लोगों को आने वाले दिनों में 1000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग में इसी साल स्किलिंग कैपेसिटी करवाया जाएगा, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, उनको जॉब में प्लेसमेंट कराने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट बनाया जाएगा, इसमें सभी लोगों की कोऑपरेशन चाहिए।